ए फैमिली, नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ मेरा पूरा यूट्यूब परिवार अच्छा है, स्वस्थ है और मस्त है। तो ये हो रही है हमारी एनिवर्सरी सालगिरह, हमारी शादी की तीसरी सालगिरह है और हमने बहुत ही साधारण तरीके से ही सेलिब्रेट किया था और हमने हमारी एनिवर्सरी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई थी, कोई तामझाम नहीं रखा था। और यहाँ पे हमारी एनिवर्सरी कम और होली ज़्यादा लग रही थी। ये देखिए, अब ये ऐसा कोई नहीं बचा होगा यहाँ पे जिसके गालों पे केक न लगे, सबको लगाएंगे अभी अच्छी तरीके से। और मुझे तो बिल्कुल भूत सा ही बना दिया था यहाँ पे सबने और बहुत ही मज़ा आया था। कम लोग थे तो क्या हो गया, लेकिन प्यार होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मेरी बुआ जी जो थी वो आई थी। और यहाँ पे देखिए, मैंने भी उनको लगा, उन्होंने भी मेरे को लगाया और मैंने भी उनको लगा दिया। और अभी तो मेरे को ना सारे भूत ही बना देंगे बिल्कुल। पता नहीं कौन पीछे से आके इतना सारा मेरे को लगा देता है कि मैं पूरा मुंह ही सन जाता है। और तो मैं भी सबको लगा दूँगी यहाँ पे, सबने उनको लगा दिया। तो अब हो गई थी सुबह, तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो मैंने कल वहीं पे वीडियो छोड़ दिया था और आज फिर मैं यहीं से वीडियो शुरू हो रही है। तो ये ना मेरी ननद है और ये ना वीडियो में आने से बहुत ही ज़्यादा इतना थोड़ी किसी के पास जा रहा। और ये है उन्हीं की सिस्टर और ये भी आई हुई थी अपने ससुराल से। हमने ही तो क्या हो गया अब यहाँ पे मम्मी भी आ गई थी और बाबू का मुंह देखिए। ये इसने पूरा जो काजल लगाया था ना, इसने हाथों से फैला फैला के पूरा काला भूत बन गया है। ये मेरे दादी की तरफ से राम राम। ये है कविता देवी, इनका ब्याह होने वाला है, कुछ ही दिन बच गए हैं, पूरा खानदान देख लेगा। ये देखिए मेरी बेटू को, ये है उनकी मम्मी जो दाइस दाइस करती है। देखिए इसको, ये दाइस अब इतने मस्ती मजाक के बाद सबका मन कर गया चाय पीने का, तो सबके लिए बनाई यहाँ पे गर्मा गर्म चाय और सबको की साव। जानते हैं उसे भी छाने ना, अच्छे स्पीड से छन आ जाता है। अब यहाँ पे आ गया था सब, ये जाने का समय, सब जा रहे थे। अच्छा तो नहीं लग रहा था लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही और पूरा घर सुना करके चले जाएंगे ये सारे।
और जब ये सारे चले गए थे ना, तो इतना घर खाली खाली लग रहा था, घर काटने को दौड़ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। कहानी आना लगी। ये गाइस ये सबका दिया है। अब फाइनली सारे घर से निकल गए जाने के लिए और जा रहे थे। आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो देख के स्माइल आ गई चेहरे पर तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे इनके जाने के बाद जो है इनकी बेटी वो भी जा रही थी, क्योंकि ये अपने ससुराल से आई थी तो ये अपने ससुराल ही जाएंगी। तो चलिए अब इनको भी कर देते हैं विदा। मन तो नहीं कर रहा था कि सब जाए एक साथ, एक एक करके जाते तो थोड़ा अच्छा लगता, लेकिन सब एक ही साथ जा रहे हैं तो क्या कर सकते, ये भी अकेली हैं घर पे, तो इनका जाना ज़रूरी है। तो करते वीडियो को यहीं।